देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। लखीसराय जिला से सुजीत कुमार की रिपोर्ट। भागवत का आयोजन, सुनने को पहुँचे भक्तजनों में माता भैया। सर्वप्रथम गणेश का आह्वान। चानन प्रखंड के इटौन पंचायत में भागवत का आयोजन किया गया। यह आयोजन गुरुवार 20 अक्टूबर से शुरू होकर 7 दिनों तक अर्थात 27 अक्टूबर तक होगा। इसमें बनारस से समाधि बाबा, कथावक्ता वृंदावन की सुनीता शास्त्री, बनारस के वेद पूजन रमेश शास्त्री, हारमोनियम वादक राकेश मिश्रा, बैंजो वादक वावन सिंह, नाल वादक दुर्गेश मिश्रा 7 दिनों तक भागवत को करते हुए लोगों को कथा सुनाने का काम करेंगे। इस कथा को सुनने से मनुष्य का जीवन उज्जवल होता है और गांव का भी उद्धार होता है। भागवत के प्रथम दिन पंचायत के मुखिया उमेश पासवान ने अपने सहयोगी संग पहुंचकर उपस्थिति दर्ज की। इनके साथ वार्ड 7 के मेंबर कुणाल पासवान, वार्ड विवेक कुमार, वार्ड 5 रमेश महतो, वार्ड 11 प्रमोद पासवान, वार्ड 8 राधा देवी, वार्ड 9 फूला देवी, वार्ड 2 रामाशीष राम, वार्ड 1 के विनोद कुमार, ध्रुव चरण दास, वार्ड 10 राजेंद्र ठाकुर, वार्ड 4 के कुंदन कुमार, सहयोगी राहुल कुमार आदि शामिल हुए। इसके साथ ही सुनने और देखने वालों में भक्त जनों में महिला पुरुष और बच्चे पहुँचे। ओम बाघवतं स्मरामि स्त्रीवर्गं स्मरामि मुखी आचार्यं जलं स्मरामि शिरभाग्यशिनां जलं स्मरामि शिरभक्षारार्थी गंधाक्षपुष्पाणि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः राधा कृष्ण शरण कमलेभ्यो नमः। ओम धूपं दीपं दर्शयामि अग्नि ज्योति ज्योतिर्गृह स्वाहा अग्निवर्चो ज्योतिवर्चः स्वाहा सूर्यवर्चो ज्योतिवर्चः स्वाहा। रूपं दीपं दर्शयामि हस्तौ प्रक्षालनम् श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सभी चढ़ा दीजिए, बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। नमः पार्वती पतये हारा हारा महादेव शंभो। 30,000 रुपये का सहयोग दिए हैं, भगवान से ही आशीर्वाद है कि दिन दिन बढ़ते रहे, इसी तरह से धर्म सेवा करते रहे और अपने इस पंचायत की सेवा करते रहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।